हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरने के खिलाफ केस की समाअत, मुजाहिरीन के पास डंडे, पत्थर और आंसू गैस शेल कहां से आए? दारुल हुकूमत महफूज नहीं बना सकते तो मुल्क को कैसे महफूज बनाएंगे? जस्टिस मुशीर आलम का इस्तफसार, एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी का कोई एहतसाब नहीं, फौज हुकूमत से अलग नहीं, उनको बदनाम ना किया जाए, समझ नहीं आ रहा क्या हुक्म लिखें? जस्टिस फाइजी साकिर मार्क्स। इस्लामाबाद पुलिस का फैजाबाद ऑपरेशन में नाकामी का एतराफ, मजहबी मामला होने पर अहलकार कार्रवाई पर आमादा नहीं थे। 20 रोज से तैनाती के बाइस फोर्स थक चुकी थी, सिक्योरिटी इदारों में राब्तों का भी फुकदान था। मुजाहिरीन डंडे, पत्थर और दीगर आलात से लेस थे। धरने में ताजादम मुजाहिरीन भी पहुंचते रहे, सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट जमा। पंजाब असेंबली के सामने धरना आज भी जारी, मुजाहिरीन राणा सनाउल्ला के इस्तीफे के मुतालबे पर कायम, माल रोड के अतराफ सड़कें बंद होने से आवाम परेशान। पीटीआई के रहनुमा बाबर अमान का वजीर दाखिला एहसन इकबाल से इस्तीफे का मुतालबा, कहते हैं धरने से ईंट और डंडे के सिवा कुछ नहीं निकला, मुल्क में फौरी इलेक्शन होने चाहिए। परवेज मुशर्रफ हमला केस में तीन मुलजिमान नाकाफी शवाहिद पर बरी, असल मछली तो इस्तगासा की गफलत से निकल गई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दोस्त मोहम्मद के रिमार्क्स, ट्रायल कोर्ट ने मुलजिमान इंतखाब अब्बासी, जफर और कबीर को फांसी का हुक्म दिया था। बेनजीर के असासों की विरासत मुझे दी जाए, बच्चों को भी कोई एतराज नहीं, आसिफ जरदारी की सिंध हाई कोर्ट में दरखास्त, अदालत ने नाजिर को असासों की तस्दीक का हुक्म दे दिया, 19 दिसंबर तक रिपोर्ट तलब। सिंध असेंबली और एमपी हॉस्टल की नई इमारतों में घपलों का इल्जाम, असेंबली में करप्शन है तो बल्दियाती इदारों का क्या हाल होगा? कराची में सियासी भर्तियां सबको मालूम है, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कराची में तलबा तंजीम का इंटर बोर्ड के चौकीदार पर तशद्दुद, वाकये के खिलाफ मुलाजमीन का एहतजाज, इंटर बोर्ड के तमाम दफातर बंद कर दिए गए। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, जेल रोड से अस्करी पार्क तक फुटपाथ पर कायम पथारे हटा दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पेशावर में सेहत इंसाफ कार्ड मुहिम का इफ्तिताह कर दिया, 1,99,00,000 अफराद इस्तफादा हासिल कर सकेंगे, हुकूमत सेहत और तालीम पर खुसूसी तवज्जो दे रही है, परवेज खटक का तकरीब से खिताब। लाहौर की डॉल्फिन फोर्स में मजीद 1,315 एहलकारों की शमूलियत, पैसिंग आउट परेड में जवानों ने अमली महारत का शानदार मुजाहरा किया।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की फायरिंग से 5 नौजवान शहीद, दर्जनों जख्मी। जुल्म के खिलाफ एहतजाज पर भी पाबंदी, कश्मीरियों पर पैलेट गन्स का आजादाना इस्तेमाल। मकबूजा वादी में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बंद।